चलिए तो पहले हम एकदम बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चंस ले रहे हैं। अगर आप वो बेसिक वाले क्वेश्चन फटाफट कर पा रहे होंगे तो मैं थोड़े से बेटर एग्जांपल की तरफ जाऊंगा। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना जल्दी चीज़ें कर पा रहे हो। चलिए पहले मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। फाइंड मोल ऑफ, मैं बिल्कुल एकदम बेसिक 9th क्लास से जा रहा हूँ, 9th क्लास से आपको 11th क्लास तक आना है। फाइंड मोल ऑफ 2.3 ग्राम सोडियम एटम, फाइंड करिए। चलिए पहले आप करना शुरू कर दीजिए, फिर मैं हेल्प भी करूँगा आपकी। नेक्स्ट है फाइंड मास ऑफ 0.3 मोल वाटर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। पहले मैं आपको सारे फॉर्मूलाज यूज करवाने वाला हूँ, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन दूंगा करने के लिए। चलिए करिए करिए, इन सबके आंसर आपको बताने हैं। नेक्स्ट है फाइंड मोल ऑफ 3.011 × 10^22 एटम्स ऑफ क्लोरीन। नेक्स्ट फाइंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ, फाइंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ 0.1 मोल सोडियम। चलिए पहले ये बहुत छोटे से बेसिक से क्वेश्चन है, पहले फटाफट आप इनको सॉल्व कर लीजिए। इसका आंसर आएगा 0.1 मोल, इसका आंसर है कितना 0. सॉरी, इसका आएगा 5.4 ग्राम, और इस वाले का आंसर कितना बताया था तुमने प्रथमेश, 0.05, और इस वाले का आंसर कितना आ जाएगा 6.023 × 10^22। ये इसके आंसर्स हो जाएंगे। तो आई थिंक इससे मुझे पता चल गया कि मेरी स्पीड कितनी होनी चाहिए क्वेश्चन में। तो अभी आपने ये देखा क्या कि हमने मोल के कॉन्सेप्ट में क्वेश्चंस सिर्फ फॉर्मूला बेस दिए, यानी आपको फॉर्मूला यूज करना आता है। नाउ अब हम वो क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम 1 यूनिट ऑफ अमाउंट को अदर यूनिट ऑफ अमाउंट में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप करना शुरू कर दीजिए। फाइंड मास ऑफ 6.02 × 10^23 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl। फाइंड मास ऑफ 11.2 लीटर SO2 गैस एट STP। फाइंड मास ऑफ, मास नहीं निकालते, कुछ और निकाल लेते हैं, मास तो हमने काफी निकाल लिया। फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 5.6 लीटर H2S गैस एट STP। नेक्स्ट
फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 6.3 ग्राम HNO3। चलिए लेट्स सॉल्व ऑल दिस। तो इसमें सबसे पहले आप क्या निकालोगे, अगेन मोल 11.2 डिवाइड बाय 22.4, हाफ मोल आ जाएगा। और हमें क्या निकालना है, मास। तो अगेन मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट, SO2 का मॉलिक्यूलर वेट 64। सॉल्व करोगे आ जाएगा 32 ग्राम। काफी आसान था, ठीक है। थर्ड वाला मानसी आप बताओ। हाँ, अब इसको देखो, अब आगे से आपको मैं जो यहां बता रहा हूं आंसर इस तरह से लिखना जैसे मैं लिख के दिखा रहा हूं। देखिए सबसे पहले फाइंड द मोल, तो वो आपका आएगा 5.6 बाई 22.4। तो ये सॉल्व हो कितना आया, 1/4 मोल आ गया, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या निकालना था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर, मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो आप एवोगैड्रो नंबर को ऐसे ही रिप्रेजेंट करिए, एनए का वैल्यू रखिए नहीं, उतना कैलकुलेट करने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना है। अगर आप एनए सॉल्व करोगे तो आंसर कन्फ्यूज करता है, तो आप एनए के टर्म्स में आंसर रहने दीजिए, क्वेश्चन में जैसा आएगा वैसे सॉल्व करना। तो मोल आपका कितना आया, 1/4 इनटू एनए, यही आंसर हो जाएगा। तुमने जो निकाला वो भी करेक्ट है, बस मैंने उसको ऐसे लिख दिया। तो आप एनए के फॉर्म में आंसर को लिखने की आदत बनाओ। तो हमने मोल निकाला, मोल कितना आ जाएगा, 6.3 बाय 63, 0.1 आ जाएगा। फिर हमने क्या निकाला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर, मोल कितना है 0.1 और एवोगैड्रो नंबर को एनए। तो जो तुमने आंसर बोला बिल्कुल सही। चलिए देखिए कैसे करते हैं। आपको मैंने एवोगैड्रो की थर्ड हाइपोथेसिस बताई थी, वो क्या था, वो हाइपोथेसिस थी कि वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ गैस एट एसटीपी, गैस टर्म और एसटीपी ये दोनों ही होना कंपलसरी होता है फॉर द यूजेस ऑफ थर्ड हाइपोथेसिस। यहाँ पर एसटीपी तो है, लेकिन यहाँ क्या, यहाँ पर गैस दिया है, वाटर तो लिक्विड होता है, और लिक्विड के ऊपर थर्ड हाइपोथेसिस अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, पता है आपको, वाटर का डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वाटर हमें एग्जैक्टली याद रखना होगा, 1 ग्राम पर ml होता है। और डेंसिटी का मास के साथ क्या रिलेशन होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक। तो अभी इस फॉर्म, इस वाले में आप डेंसिटी का वैल्यू रख दीजिए 1, मास आपको निकालना है, उसको हमने एज्यूम कर लिया x, वॉल्यूम कितना दिया 18 ml, यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे वो कितना आएगा 18 ग्राम। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 18 ग्राम। और आपने क्या किया है, आप ये क्वेश्चन दिया ही मैंने इसीलिए था, वही पॉइंट को आपके दिमाग में डालने के लिए कि आप थर्ड हाइपोथेसिस सिर्फ तभी यूज कर सकते हैं व्हेन एवर क्वेश्चन, इन क्वेश्चन इट इज मेंशन्ड गैस एज वेल एज एसटीपी बोथ, कोई एक भी होगा तो भी नहीं। अगर यहाँ गैस होता और एसटीपी नहीं होता तो भी हम यूज नहीं कर सकते थे, और एसटीपी है और गैस नहीं है तो भी हम यूज नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन सिंपली ऐसे सॉल्व किया जाए। और वाटर का डेंसिटी आपको क्वेश्चन में कभी नहीं दिया जाता, आपको ये हमेशा याद रखना पड़ेगा। तो इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप अपने पास कहीं पर नोट बना के रख लीजिए, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml, ठीक है। तो यहाँ तक आपने बिल्कुल अच्छे से आंसर किया है सारे क्वेश्चंस का, गुड। अब हम क्वेश्चन को एक लेवल ऊपर लेके चलते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन लिखते हैं फिर उसके बाद करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड
ए पार्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, बी पार्ट टोटल नंबर ऑफ एटम्स, सी पार्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, डी पार्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन इन 1.8 ग्राम इन 1.8 ग्राम ग्लूकोज। ठीक है, ये क्वेश्चन है, सॉल्व करिए। ए पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। ए पार्ट के लिए सबसे पहले आपको जो कुछ भी गिवन है उसको मोल में कन्वर्ट कर दीजिए। तो मोल कितना आ गया, 1.8 by 18, दैट इज सॉरी 1.8 by 180, तो ये कितना आ जाएगा, 0.01 मोल आ गया। ठीक है, फिर आपको क्या फाइंड करना था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू क्या होता है, मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। ये हुआ ए पार्ट का आंसर, 1.01 इंटू Na। ठीक है, इसके बाद आइए बी पार्ट का आंसर देखते हैं। बी पार्ट में आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ एटम। तो सबसे पहले ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको देखना पड़ेगा। ग्लूकोज क्या होता था, C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज C6H12O6। तो इसके एक मॉलिक्यूल में देखिए, इन वन मॉलिक्यूल, इन वन मॉलिक्यूल देखिए टोटल कितने एटम है, 6 + 12 + 6 कितना हो गया भाई, 24 एटम है। इन वन मॉलिक्यूल 24 एटम है और आपके पास टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं, 0.01 है ने। तो आप यहां पर लिखोगे इन वन मॉलिक्यूल 24 एटम, देन इन 0.01 Na मॉलिक्यूल्स में कितने एटम हो जाएंगे, 24 × 0.01 Na। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.24 Na, इसका आंसर है 0.24 Na। किसी को कंफ्यूजन है इस आंसर में, चलो ठीक है, फिर शुरू से देखते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपको मास दिया है उसको मोल में कन्वर्ट कर दो, यहां तक क्लियर है। फिर उस मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लिया, पहला पार्ट सॉल्व हो जाएगा। यहां पहले पार्ट तक आया, फिर अब सेकंड पार्ट में कह रहा है टोटल नंबर ऑफ एटम। तो जब भी आपको टोटल एटम पूछ रहा है ना मॉलिक्यूल के अंदर, तो पहले आप देखिए कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है। तो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में टोटल 24 एटम है। तो एक मॉलिक्यूल में अगर 24 है तो एक्चुअली आपके पास कितने मॉलिक्यूल है, 0.01 Na। तो 0.01 Na में कितना हो जाएगा, यूनिटरी मेथड, 1 में 24 है तो 0.01 Na में कितना हो जाएगा, 24 × 0.01 Na। एक पर्सन के पास अगर 100 रुपीज है तो 10 पर्सन के पास कितने रुपीज हो जाएंगे, 100 × 10, है ना। तो बस मैंने यहां पे यूनिटरी मेथड लगाया है, वन मॉलिक्यूल हैज 24 एटम, तो 0.01 Na मॉलिक्यूल हैज 24 × 0.01 Na और आंसर हो जाएगा 0.24 Na। ये हुआ हमारा बी पार्ट। ठीक है, अब सी पार्ट करते हैं। तो सी पार्ट में करने के लिए, सी वाले पार्ट में अगर आप ध्यान दोगे, इन वन मॉलिक्यूल हाउ मेनी कार्बन एटम्स, फॉर्मूला लिख लो सामने, इन वन मॉलिक्यूल हाउ मेनी कार्बन एटम, 6 carbon atoms। ठीक है, और एक्चुअली आपके पास कितने मॉलिक्यूल है, 0.01 Na मॉलिक्यूल है। तो 0.01 Na मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम हो जाएंगे, 6 × 0.01 Na। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 0.06 Na। सी पार्ट हो गया। डी पार्ट में क्या, फिर से आओ, वन मॉलिक्यूल हैज हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम, 12 हाइड्रोजन एटम। तो 0.01 Na में कितने मॉलिक्यूल में,
कितने एटम होंगे, 12 × 0.01 दैट इज 0.12 Na। तो ये आपके चारों पार्ट के आंसर हो जाएंगे। क्लियर है सभी सभी को? किसी को कोई अभी भी कंफ्यूजन हो तो आप बिल्कुल आराम से पूछो। ए पार्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, बी पार्ट नंबर ऑफ टोटल एटम, सी पार्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, डी पार्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन इन 3.42 ग्राम केन शुगर। सॉल्व, यहां पर 22 + 12 करेंगे कितना हो जाएगा, 34, 34 + 11 करेंगे तो 45 आ जाएगा। इसका आंसर है 0.45 Na। हाँ प्रथमेश आप बताओ, इसका नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का आंसर करो, 0.12 Na। बिल्कुल सही। आप बताओ तनु, लास्ट वाले का आंसर ऑक्सीजन का आंसर कितना आया, 0.11 Na। दीज आर द आंसर। गुड, अब आप लोग इसके क्वेश्चन कर पा रहे हो, ठीक है, गुड। चलिए अब हम लोग फिर से एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो आपने देखा कि हमने पहले आपको मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना सिखाया था, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स निकालना सिखाया था। ऐसे ही आपको मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फाइंड करने को भी आता है। मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी फाइंड करने को आता है। तो उसको शुरू करने से पहले एक बार मैं पहले सारे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का जरा टेबल बनवा लेता हूँ। जैसे हाइड्रोजन का एटम है, इसका एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास भी 1 होता है, तो इसके पास बताइए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितना होगा। परफेक्ट। इसके बाद एलिमेंट जिसको आपको सबसे ज्यादा यूज करना है वो है कार्बन। इसके पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितना आएगा, 7। बिल्कुल सही। इसके बाद नाइट्रोजन आपको यूज करने को आता है, 7N14। इसके पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बिल्कुल सही। इसके बाद आपको यूज करने को आएगा ऑक्सीजन, 8O16। इसके पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परफेक्ट। फिर एक और एलिमेंट आपको यूज करने को आएगा सल्फर, 16S32। कितना होगा भाई, गुड। चलिए तो ये आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना आता है। अब मैं एक पहले छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, फिर उसमें करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन है आपका, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.7 ग्राम NH3। लेकिन इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप ये क्वेश्चन करो। एक चीज वो क्या है, ये तो आपके न्यूट्रल एटम्स थे और आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बताए। अब अगर मेरा क्वेश्चन लाइक ऐसा है, नाइट्रोजन 3-, हाइड्रोजन प्लस और CO3 2-, ठीक है, इनमें जरा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपको बताना है।
न्यूट्रल में तो आप फटाफट बता लेते हो, इनमें बताइए। नाइट्रोजन में पहले एन की पावर, एन पे चार्ज कितना है, 3 माइनस। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, निगेटिव चार्ज अगर किसी एटम या मॉलिक्यूल के ऊपर है तो वो बताता है कि उतने ही नंबर में वहाँ पर इलेक्ट्रॉन एडिशनल प्रेजेंट हैं, और प्लस चार्ज बताता है कि उतने ही नंबर में इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिमूव हो गए हैं। ठीक, तो ये जो चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन के नंबर को ऑल्टर करता है, बट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे इसका इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं। तो नाइट्रोजन का प्रोटॉन कितना होगा जो पहले था, न्यूट्रॉन भी वही रहेगा, बट इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास, 7 पहले थे, 3 और आ गए, कितना हो गया, 10 हो गया। अच्छा, हाइड्रोजन को देखते हैं, इसका न्यूट्रॉन 0 था पहले, अभी भी वही होगा, प्रोटॉन 1 था अभी भी वही होगा, बट इसके पास अभी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 0, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन के पास और वो भी निकल गया, तो एक प्लस चार्ज का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव हो गया। अच्छा, अब ये कार्बोनेट को देखते हैं, कार्बोनेट तो एक मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नंबर कैसे निकाला जाता है, उसके लिए आपको हर एक एलिमेंट का अलग अलग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन फाइंड कर लीजिए और उनको ऐड कर दीजिए। तो जैसे मैं इसका निकाल के दिखाता हूँ, CO3 का, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कार्बन के पास होते हैं कितने, 6, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 8, एंड कितने ऑक्सीजन है, 3, तो जरा इसको सम करो तो ये कितना आया, 24, और 6 कितना हुआ, 30 इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन भी इसके पास कितने होंगे, 30 होंगे, और न्यूट्रॉन भी इसके पास कितने होंगे, सॉल्व करके देख लीजिए, 30 ही आएगा। ठीक, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नंबर यहाँ पर चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 माइनस है, तो 2 माइनस होने से क्या फर्क पड़ेगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और जुड़ जाएंगे, तो इसके पास एक्चुअली इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 32। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऐसे ही रहेंगे, समझे आप। तो इस तरह से हम लोग एटम में, आयन में और मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन फाइंड करते हैं। चलिए, पहले क्वेश्चन मैंने जो स्क्रीन पे आपको दिया है इसको आप 2 मिनट ट्राई करो, ठीक है, मैं ऐसे और भी क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर एक साथ में सबको डिस्कस करते हैं। आप ये क्वेश्चन, अच्छा आप ये कॉपी करोगे अभी, पहले आप ये कॉपी कर लो, तब तक मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिख के दे देता हूँ, दूसरा कॉपी। लास्ट वाला क्वेश्चन इनकम्प्लीट था, लास्ट वाले क्वेश्चन में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन टू पॉइंट 1 ग्राम N3 माइनस, अमाउंट तो दिया ही नहीं था। चलो ठीक है, देखो फर्स्ट वाले कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड नंबर ऑफ मोल, तो वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट सॉल्व करोगे 0.1 आ जाएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज आप क्या फाइंड करोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू होता है मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गया, फिर उसके बाद इन वन मॉलिक्यूल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए कितना है, एक मॉलिक्यूल में अमोनिया के NH3 के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है,
नाइट्रोजन के पास होते हैं 7, हाइड्रोजन के पास होता है 1, टोटल 3 हाइड्रोजन, 7 × 1, 7 + 1 × 3 यानी कितना हो गया 10। तो एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है और आपके पास टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं 0.1 Na। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 0.1 Na मॉलिक्यूल विल बी इक्वल्स टू 0.1 Na × 10। एक मॉलिक्यूल में 10 है तो 0.1 Na मॉलिक्यूल में कितना हो जाएगा 0.1 Na × 10। सॉल्व कर लोगे कितना आ जाएगा Na। समझाइए वाला, ऐसे ही आप सेकंड वाला भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फिर ये थर्ड वाला किसी को आ गया, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड इट्स मोल। तो सबसे पहले मोल निकालेंगे तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट, नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 14। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 7 से जाएगा यहाँ पर 3/20 mole आएगा, 3/20 mole आ गया। फिर हम इसमें निकालेंगे नंबर ऑफ आयन्स, ये आयन है ना, हम यहाँ मॉलिक्यूल वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ क्या वर्ड यूज करेंगे नंबर ऑफ आयन। तो नंबर ऑफ आयन क्या हो जाएगा मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर, तो 3/20 Na, तो हमारा नंबर ऑफ आयन्स आ गया। अब हमें क्या निकालना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो जरा नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखिए 1s2, 2s2, 2p, कितना होता है यहाँ पर 3। तो वैलेंस शेल किसको बोलते हैं, आउटर मोस्ट इनकम्प्लीट शेल इज योर वैलेंस शेल, ये नाइट्रोजन का था। तो नाइट्रोजन में 3- मतलब 3 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा 1s2, 2s2, 2p6। तो ये है आउटर मोस्ट इनकम्प्लीट शेल जिसको हम क्या बोलते हैं वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1। तो आप यहां पर क्या बोलोगे इन वन आयन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 8, ठीक, ये वन आयन में है और आपके पास टोटल आयन्स कितने हैं 3/20। तो फिर 3/20 आयन्स में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 8 × 3/20 × Na, इतना आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 24/20 Na। आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 4 से डिविजिबल हो जाएगा तो ये आ जाएगा कितना 6/5 Na, इतने को ही छोड़ दीजिए ऐसे। तो मेथड आपको समझना है तो हेडिंग डालिए POAC, POAC, POAC का फुल फॉर्म है प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, देखिए क्या होता है ये प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। लेट आपको हमने यहां पर एक मॉलिक्यूल दिया है H2SO4, ध्यान से देखिए H2SO4, यहां पर हाइड्रोजन के 2 एटम है और सल्फर का 1 है, ऑक्सीजन के 4 एटम है। तो अगर आपसे यहां पूछा जाए इन वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, इन वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, सल्फर एटम, बताइए भाई कितना है। एक मॉलिक्यूल अगर आप H2SO4 का लेते हैं तो उस वन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के एटम कितने हैं भाई 2, सल्फर कितना है 1 और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 4। सिंपल, बिल्कुल आसान सा है ना, ये हमने मॉलिक्यूल और एटम को आपस में रिलेट किया। यही सेम चीज जब हम मोल में बोलते हैं
तो मॉलिक्यूल भी मोल में होगा और एटम भी मोल में होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैंने बोला इन वन मोल H2SO4, इन वन मोल H2SO4 नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होगा, ऑक्सीजन एटम कितना होगा और सल्फर एटम कितना होगा मोल्स के टर्म में। इन वन मोल H2SO4 व्हाट इज द मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो आपका आंसर होगा जितने यहाँ हाइड्रोजन दिख रहे हैं वही इसका मोल है यहाँ पर, जितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं वही उसका मोल हो जाएगा, जितने सल्फर दिख रहे हैं वही उसका मोल हो गया। तो यहाँ पे वन मोल अगर हमने H2SO4 लिया है तो उसमें वन मोल H2SO4 में टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन होगा एस, लेकिन वो क्या है, टू मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम है और वन मोल ऑफ सल्फर एटम है, फोर मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है। तो अगर आपको एक मॉलिक्यूल के मोल पता है तो आप उसके जो भी रिस्पेक्टिव एलिमेंट हैं उनके मोल्स बता सकते हैं। जैसे मैं ओरल आपसे बोलूं यहाँ पर इन 0.3 मोल ऑफ H2SO4, 0.3 मोल H2SO4 है, अब आपको बताना है इसमें मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, बताइए भाई कितना मोल ऑक्सीजन एटम का होगा मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड मोल ऑफ सल्फर एटम, बोलिए क्या आएगा आंसर इनका। जीरो पॉइंट थ्री मोल, आप यहां से कंपेयर करो, जब वन मोल H2SO4 था तो हाइड्रोजन कितना था, टू मोल, सल्फर वन और ऑक्सीजन फोर, ठीक है। तो जब आपके पास वन मोल में अगर फोर है तो 0.3 मोल में कितना हो जाएगा भाई, 1.2 मोल, बिल्कुल सही। और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा और सल्फर कितना बन जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट। तो अगर आपको मॉलिक्यूल के मोल्स पता हैं तो आप उनके रिस्पेक्टिव एटम्स के मोल ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं, ठीक। ये तो एक तरीका हुआ, अब इसी चीज को हम रिवर्स में बोलेंगे, उल्टा, ठीक है। अभी हम आपको क्या करेंगे, ऑक्सीजन एटम के मोल देंगे और आपसे मॉलिक्यूल का मोल पूछेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास जब 4 मोल ऑक्सीजन एटम था देन हमारे पास H2SO4 के कितने मोल हमें मिल रहे थे, 1 मोल। ध्यान से देखिए यहाँ पर, जब हमारे पास 4 मोल ऑक्सीजन एटम था तो हमें H2SO4 कितना मिला था, 1 मोल। तो अगर हमारे पास ऑक्सीजन एटम 2 मोल होगा तो बताइए व्हाट इज द मोल ऑफ H2SO4, हाफ मोल, 0.5, है ना। तो अगर अगर हमने बोला आपसे कि 4 मोल ऑफ सल्फर एटम है, बताइए व्हाट इज द मोल ऑफ H2SO4, तो आंसर क्या होगा, 4 मोल ऑफ H2SO4। अगर हमने आपसे बोला कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम है तो व्हाट इज द मोल ऑफ H2SO4 प्रेजेंट, हाफ, 1/2। तो आपको अगर एटम्स के मोल दिए हैं तो हम मॉलिक्यूल्स के मोल फाइंड कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स के मोल देते हैं तो हम एटम के मोल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये आपने मॉलिक्यूल्स में देखा, अब जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है, एक केमिकल रिएक्शन था, आप ध्यान से सुनिएगा, यहां पर बोला गया कि मेटल एम है, उसको मेटल एम को रिएक्ट कराया गया है HNO3 के साथ, तो इसने मेटल का नाइट्रेट बनाया, मेटल नाइट्रेट, और मेटल के नाइट्रेट को जब हीट किया गया तो इसने यहां पर मेटल का ऑक्साइड बनाया है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएगा, मेटल है उसको मेटल को HNO3 के साथ रिएक्ट किया, मेटल नाइट्रेट प्रोड्यूस हुआ, तो इस सारा का सारा मेटल मेटल नाइट्रेट बन गया है, और जब मेटल नाइट्रेट को हीट करते हैं तो सारा का सारा मेटल मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक। तो होगा क्या, यहां पर आप इसके मोल निकाल लीजिए मेटल के,
वही मेटल यहां पर प्रेजेंट है और वही मेटल यहां पर प्रेजेंट है, तो इस कंपाउंड में जो मेटल के मोल होंगे और इसमें जो मोल होंगे वो दोनों क्या होंगे, सेम आएंगे। ठीक है, इसका मतलब यहां पे जो मेटल एम है वो क्या है, कंजर्व है, वो सब जगह वही पूरा पूरा जा रहा है। तो जितना मेटल यहां पे था वही सारा मेटल नाइट्रेट बना और वही सारा का सारा मेटल मेटल ऑक्साइड बना। तो अगर आपको इस मेटल एम के मोल पता है तो आपको इस मेटल ऑक्साइड में मेटल का मोल पता चल जाएगा, और अगर आपको मेटल का मोल पता चल गया तो आप इस मेटल ऑक्साइड का मोल बता सकते हो। तो बताइए मेटल ऑक्साइड का मोल कितना हुआ है यहां पर, एक्स मोल। मेटल ऑक्साइड भी एक्स मोल होगा क्योंकि एक मोल मेटल ऑक्साइड में एक नाइट्रोजन एटम था, तो या आप उल्टा बोल सकते हैं कि एक मेटल प्रेजेंट है एक मोल मेटल ऑक्साइड में, तो एक्स मेटल प्रेजेंट होगा एक्स मोल ऑफ मेटल ऑक्साइड में। समझे आप? तो प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन का क्वेश्चन इस तरह से आपके सामने आता है। क्लियर सभी को ये चीज?